फर्स्ट टेंथ की संस्कृत की क्लास है और आज मैं आपको संस्कृत का फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था उसका सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है वाराणसी यानी बनारस। तो देखिए सेकंड पार्ट इसका, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह नगरी है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। क्या है? केंद्र स्थल है। इत्र एव संस्कृत वाड्मस्य संस्कृत एच आलोक सर्वत्र प्रसृति, अर्थात यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र यानी सभी जगह फैला हुआ है। फिर मुगल युवराज दारा सिको अत्रगत्र भारतीय दर्शन शस्त्राणम अध्ययनम अक्रोति, अर्थात यहीं से जो मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सातेशा ज्ञानेन तथा प्रभावत अभवत, अर्थात उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ यत्र तेन उपनिषेदम अनुवाद पारसी भाषा करित। तो जो दार्शनिकों थे वह उनके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषेदों का अनुवाद अपने फारसी भाषा में करवाया। फिर यह नगरी विविध धर्माणी संगम स्थली। तो यह नगरी कौन सी? वाराणसी। यह नगरी वाराणसी अनेक धर्मों की क्या है? संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चाभाव महात्मा ना अत्यत स्वामीन विचारन प्रसारण। इसका अर्थ है कि महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। प्रसार का अर्थ होता है बच्चों फैलाया। न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपुत कला क्षेत्रम ए नगरी विधि विधाना कलाना शल्पनेच कृतलोके विश्रतु, अर्थात न केवल दर्शन शास्त्र और धर्म में ही अपुत बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। शिल्पाने कृत लोके अत्र कोशम देशन दर्श सबसे मतलब सभी जगह ये प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन अत्रने प्रसूत्र मात्यम विधि प्रथिता, अर्थात इसका यहाँ के जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो कैसी हैं? बहुत ही प्रसिद्ध हैं। या निजा प्राचीन परंपरामि इदनामि बपि परिपालयति तथैव गयते कविद, अर्थात यहाँ अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। अतएव कवियों के द्वारा गाया गया है। तो देखिए मंडलम मरण यत्र विभूति यत्र भूषणम कौशी पीनम अत्र कौशे काशी केनो पाप मयते, अर्थात जहाँ मरना कल्याणकारी है जहाँ भस्म ही आभूषण है और जहाँ लंगोटे ही रेशमी वस्त्र हैं वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो बच्चों आज हमने ऐसा नगरी से लेके तथे केना पापे अभी तक इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा। तो आपको इस हिंदी अनुवाद को अच्छे से पढ़कर लर्न करना और उसको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। ओके।